तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। अब आए थे मुझे लेने, वो ठीक कह रहे थे कि अम्मा बीमार है, मैंने उनका यकीन नहीं किया। मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चले गए बाजी। अम्मा, हम लोग शहर को अपने साथ गांव लेके जाना चाहते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। हमने इसे कभी कहीं जाने से नहीं रोका। मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं दो बहनों के होते हुए अपनी शादी की बात करूं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी है तो वो तुम्हारी शादी कहीं और कर सकते हैं। मेरी तरफ से तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। क्या हमजा, तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। जी बाबा बोलिए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस फाइल देख रही थी। पेशेंट कम देख रही होगी और ये ज्यादा सोच रही होगी कि शमीम अगर ना मरती तो अच्छा होगा, है ना? बात तो ठीक है ना साहब। देखा कैसे जज किया मैंने, ये तो है। अच्छा सुनो मीरा, मत सोच रहे, सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर लोगी। और सुनो, ज्यादा पेशेंट्स देखने की भी जरूरत नहीं, बस अब घर आ जाओ। बल्कि अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो अपनी अम्मी से मिलो, शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। साहब आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, थैंक यू। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन आई थिंक थोड़ी देर के लिए मैं घर जाके लेटूंगी, क्योंकि अगर मैं इस मूड के साथ मामा की तरफ चली गई तो परेशान हो जाएंगी वो। हाँ देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं भी बस दफ्तर से निकल गया हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा घर। शाम को मिलते हैं फिर। ओके बाबा, बाय। आ गए बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ चाय तैयार है, आ जाओ। मेरा मूड नहीं है। हमसा का बच्चा, आई शुड कॉल हिम। कॉल तो रिसीव करो। कॉल हिम अगेन। जी कौन से है? जी ये समीरा का नंबर है। शहर में अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कुछ पता चला शमीम के बारे में? पता नहीं, सब ये कान का कह रहे हैं। मुझे तो अपनी अम्मा का आखिरी बार चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। तो तुम लोग वक्त पे ही पहुंचे? नहीं, वो बस लेट हो गई थी। बस तुम लोग सबर करो, मौत एक ऐसा सच है जो
माना भी नहीं जाता मगर है सच। बाजी मैं ना वापस आ रही हूँ आपके पास, वहीं काम करूंगी, मुझे अब्बा पे कोई भरोसा नहीं। हाँ हाँ ठीक है आ जाना, मगर अभी अगर रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? ठीक ही है, और वैसे भी वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाते हैं। ठीक है तो कब तक आओगी? हसन भी तुम्हारे बारे में 10 दफा दिन में पूछता है। मैं उसे फोन कर लूंगी। चलो फिर जब आने लगो तो बता देना मुझे। ठीक है बाय। ओके ख्याल रखना। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मेरे खुदा कुछ राह तो दिखा, मेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये मीस नहीं कहीं कि जब से मेरे घर में घुसी है मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, वरना कहीं मेरे बगैर जाता ही नहीं था। आज ये दिन देखने पड़ रहे। काश काश इस लड़की को मैं अपने घर में घुसने से पहले ही घर से बाहर निकाल देती। बहुत गलती की, आज इस तरह रोना तो ना पड़ता मुझे। अपने ही बेटे को फोन मिला रही हूँ, उठाने का नाम नहीं है। माँ की कोई खबर नहीं है इसको। मुझे तो अपनी अम्मा का आखिरी बार चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। निधि बाजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, शमीम बहुत बीमार है, पता नहीं वो बचती भी है या नहीं बचती। तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तब पुलिस को बुला। वो मर रही है बाजी, खुदा की कसम बीमार है। बाबा हम बाकी खाना पैक करवाते हैं? करवा दिया है जनाब, आपको पता है मैं काफी रिस्पॉन्सिबल शौहर हूँ। ये तो मैं मानती हूँ, बस मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे आपको इग्नोर करना चाहिए। मैं हर चीज इग्नोर कर सकता हूँ मीरा, सिवाय तुम्हें। वो शहर का फोन आया था। होगी तत्वी वापस आ रही है। देखो मेरा वो वापस आए या ना आए यार, अब उसकी फिक्र करना छोड़ दो। तुम अपने आप को देखो और मुझे। और कहीं ना देखो। ऐसा बहुत पॉसेसिव है मेरे बारे में। और क्यों ना हो, जिस इंसान के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज, क्या वो पॉसेसिव ना हो? वैसे पता है बाबा, मैंने सुना है कि क्रिमिनल्स भी बहुत पॉसेसिव होते हैं। क्या? Where did that come from? आपने अभी तक खाना नहीं खत्म किया अपना। चलो चलो जल्दी, लास्ट बाइट, जस्ट वन। गुड बॉय। ओके लेट्स गो। बाय दादी। बाय मेरा बच्चा। बाय बाबा। बाय बेटा। हम जल्दी जल्दी हुआ। जल्दी लेट्स गो। तुम तो बैठ जाओ, इतनी भागदौड़ सही नहीं इस हालत में। सायम, हमारे घर में मुलाजमा की सख्त जरूरत है इस वक्त। हाँ जी सही कह रही है, घर में एक फुल टाइम मुलाजमा होनी चाहिए। वैसे भी आज शाम तक सैर पहुंच जाएगी, उसका फोन आया था, शी इज कमिंग बैक।
अरे वो क्यों आ रही है? उसका है ही कौन? भाई वहीं रहना अपने लोगों के दरमियान में। अब उसका अपना वहां रह कौन गया है? बहन शादियों के यहाँ आ गई है, शमीम अब है नहीं, बस उसका एक आध बाप रह गया है जिसके साथ वो रहना नहीं चाहता। देखो मेरा बेटा, ये उनका आपस का मामला है, तुम्हें फिर से उनके मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके तुमसे जान छुटी थी, तुम्हें याद नहीं उस लड़की के यहाँ होने से कितनी मुश्किल हुई थी हम लोगों को? फिर उसके माँ के मरने से तुम्हें खामखा इतना गिल्टी कॉन्शियस हो गया था। भाई मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ शहर के आने के। अम्मी खुद ही तो कह रही है कि घर में मेड की जरूरत है, अगर शहर आ रही है तो आने दे। हाँ मेड की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इस पूरे शहर में कोई और मेड मिल ही नहीं सकती। मिल जाएगी कोई और। लेकिन अब हम शहर को जानते हैं, काफी वक्त से हमारे पास काम भी कर रही है तो सारा काम सीख गई है, ऊपर से वो शमीम की बेटी है तो काबिले भरोसा भी है, हमारे लिए आसानी है। I agree. कहां नई मेड ढूंढते फिरेंगे? अगर नई मेड ने चोरी कर ली तो घर में एक नया इशू शुरू हो जाएगा। कम से कम हम शहर की आदत से वाकिफ तो हैं, ऐसा तो नहीं करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऊपर से अब हसन की भी बॉन्डिंग हो गई है उसके साथ, तो मैं भी बेफिक्र होती हूँ। अच्छा भाई, अगर तुम दोनों इस कदर उसकी हिमायत कर रहे हो तो ठीक है, आने दो उसको। मैं तो मुसल्ला बिछा के बैठ जाती हूँ दुआएं मांगने के लिए कि आइंदा ऐसी मुश्किल आती ना जैसे पहले हुई थी। शुक्रिया आपके वोट का। साहिब बेटा मैं जरा अमजद के साथ जा रही थी, आता ही होगा वो। कहाँ जा रही माँ? तलत मामू उमरा करके आए, तो मेरा चश्मा पता नहीं मिल रहा था, तीसरे से ढूंढने चली जा रही हूँ। आ गया शायद वो। मैं चलूँ साहब? नहीं 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 बेटा, वो हसन का खाना फ्रिज में रखा है, जब वो आए ना तो गर्म करके दे देना उसे। जी अम्मी। चल भूल नहीं जाना। और दफ्तर कब जाओगे तुम? बस दो तीन दिन तक। चलो ठीक है, अच्छा मैं आती हूँ थोड़ी देर में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो सहर? मैं ठीक हूँ, और आप? सहर तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, अंदर चले? हाँ चलो। चलो पता है हम लोग ना फुटबॉल भी खेलेंगे और टेनिस भी। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, बस मैं उसी का रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है बता दो। हसन हसन बेटा, बुरी बात, आते ही तुमने उसको काम पे लगा दिया। कोई बात नहीं साहब, तुम्हारी मामा ठीक हो गई? जाहिर है बेहतर है, तभी वापस आई है ना बेटा। अच्छा सुनो, अब इसे डिस्टर्ब ना करना, हाँ कम से कम उसे चेंज तो करने दो। ओ, बाजी क्लिनिक में है साथ? हाँ आ जाएंगे शाम तक, तुम जाओ आराम करो। बल्कि हसन बेटा जाओ तुम भी थोड़ी देर जाके सो। बाबा बस एक गेम। अच्छा 5 मिनट्स ओनली। हाँ जी, कब फारिग हो रही हो? अच्छा ठीक है, जब फारिग होती हो तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूंगा तुम्हें। ठीक है, नहीं खाने की जरूरत नहीं होगी, वो शहर आ गया ना वापस। हाँ अभी आई है हसन के साथ। हाँ जाहिर है उदास तो होना था उसने, पता ही है तुम्हें।
चलो ठीक है, तुम काम करो, फारिग होती हो तो मुझे फोन करना। हाँ ओके। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। सहर चाय बना देना मुझे। जी अभी बना के। बैठो। क्या हुआ, रो रही? नहीं। क्या हुआ बताओ मुझे। लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई, कोई भी नहीं है मेरे पास। अम्मा की बहुत याद आ रही है। ऐसा नहीं है, हम समझ नहीं आता मुझे क्या करूं, क्यों मैं अकेली हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं, तो ऐसा कुछ किया नहीं था। समन क्या बात है बेटा, आते ही तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, चाय तक नहीं पी मेरे साथ तुमने। अम्मी मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें आप। कोई बात हुई है क्या? क्या बात होनी अम्मी, आप लोगों ने मेरे सर पर बंदूक टांग दी हमजा से मिलवाने की। ये सुनकर हमजा मुझसे नाराज हो, आप जानती हैं आज पूरा दिन ऑफिस में उसने मुझसे बात नहीं की है। कितनी कॉल्स की हैं उसको, देखें एक भी कॉल नहीं उठा रहा मेरी, चेक कीजिए। इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है बेटा। वो अपनी बहनों की शादी की वजह से परेशान है। अच्छा, तो वो अपनी बहनों की शादी की वजह से परेशान है, लेकिन तुम्हारी परेशानी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारे सर पर ना बाप है ना भाई, एक बेवा माँ है और एक शादीशुदा बहन। अम्मी अम्मी उसकी दो बड़ी बहनें अनमैरिड है, अगर उसकी बहनें छोटी होती ना तो वो अपने घर में शादी की बात करते हुए इतना एम्बेरस फील नहीं करता। हमें आप तो समझने की कोशिश करें प्लीज। सही कहा बेटा, बस हम ही रह गए हैं समझने और समझाने के लिए। हाँ अरे उसे अपनी बहनों की शादी की इतनी फिक्र है तो तुम्हें क्यों आस में रखा उसने? फॉर गॉड सेक अम्मी माफ कर दें आप मुझे, यहाँ आपकी बातें सुनो उधर उसकी बातें सुनो, मुझे तो लग रहा है मैं आप दोनों की बातें सुनने में ही रह जाऊंगी। जाइए यहाँ से, मुझे आराम करने दीजिए। अच्छा चलो चल के मेरे साथ खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है फिर, मैं भी नहीं खाती हूँ खाना, रख देती हूँ उठाकर फ्रिज में बस। हाँ ठीक है, मत खाइए आप खाना, कल को शुगर और बीपी हाई होगा ना आपका तो मीरा आ जाएगी मुझे सुनाने के लिए, हर जगह से फंसवाई। चलें चलती हूँ मैं आपके शाही दस्तरखान पर आपके साथ, चलें हम आइए। देख बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा इस तरह रो तो मत, मुझे तुम्हें इस तरह रोता हुआ देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है। सही कह रहे थे साहब,
मैं अकेली कहाँ हूँ? जो ख्वाब में देखती आ रही हूँ वो पूरे हो सकते हैं यहाँ रहकर। यह कमरा अच्छा ही है, लेकिन बाजी वाला कमरा वो ज़्यादा अच्छा है। मासी बनकर पैदा ज़रूर हुई हूँ, लेकिन मासी बनकर मरूंगी नहीं। सहर, सहर जी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय बना दो, गलती से सर्व कर। जी अभी बनाती हूँ। साइम तुम आ गई? आपको मुझे पिक करने आना था, अगर फोन भी ऑफ था। यार वो मैं हसन को सुलाने गया तो मेरी भी आंख लग गई और शायद फोन की बैटरी भी डेड हो गई। मैं अभी फ्रेश होके तुम्हें लेने ही आ रहा था। इतनी खैर जिम्मेदारी, आपको मेरा ख्याल तो करना चाहिए था। I was feeling so sick today, मेरे सर में भी दर्द था, मैं इतनी मुश्किलों से घर आई हूँ। अरे यार आई एम सॉरी, वाकई मेरी आंख लग गई, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। It's okay. तुम आई कैसे? क्या आप सॉरी, बैठो बैठो। कैसा रहा दिन? Awful, so bad. थैंक यू सहर, प्लीज यहीं रख दो। थैंक यू, आई नीडेड दिस। आज से आपका सहर के साथ खेलना कूदना बंद। क्यों? क्या मतलब क्यों? जान, बाजी ने कोई बात की थी आपसे? किस बारे में? पता नहीं, उनका मूड खराब था। सहर, मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो कुछ कपड़े निकले थे, मैंने बस शायद एक आध दफा पहने होंगे, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है इनकी। तुम देख लेना, तुम इसमें से कुछ पसंद आए तो रख लेना, और अगर ना पसंद आए तो बता देना, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। बाजी सबकी क्या जरूरत थी, पहले ही आपने सब कुछ दिया हुआ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी। जरूरत हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम्हारे घर काम करती हो, तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन हुकूक को अदा कर सकूं। आप कितनी अच्छी हैं ना, कितना बारीकी से सोचती हैं। चलो फिर ठीक है, फिर किसी दिन हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, इसी बहाने शायद तुम्हारा दिल भी थोड़ा बहल जाएगा। शमीम का काम अभी ताजा ताजा है ना। आप फिक्र ना करें, अम्मा जहाँ भी होंगी वो ये सब देख कर खुशी हो रही होंगी। I hope you're such a... चलो तुम अपने कमरे में जाओ। मीरा जी। अम्मी क्या कर रही हो तुम? है क्या वो अम्मी खैरियत? इतना ना सर पे चढ़ाओ उसको। ठीक है तुमने उसको अपने कपड़े दे दिए, काफी है ना, अब ये शॉपिंग पे जाने की क्या नई बात शुरू कर दी तुमने? अम्मी वो यहाँ काम करती है, और फिर मैं फिलहाल तो उसे कोई पैसे नहीं दे रही, किसी को तो उसकी जरूरतें पूरी करनी होगी, और फिर मैं शमीम की मौत के गिल्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई, कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ सबका, तो शायद इसका थोड़ा बहुत ख्याल रख के
मैं खुद को भी बहला पाऊं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन सोच लेना ये हमदर्दी तुम्हारे गले ना पड़ जाए। बेटा बस आज से आपका सहर के साथ खेलना कूदना बंद। क्यों? क्या मतलब क्यों? बेटा मेरी जान, मम्मा से बहस नहीं करते। अच्छा बुरी बात। हसन के स्कूल से फोन आया था, मंथली टेस्ट फेल कर दिया आपके लाडले बेटे ने। यही हाल रहा तो एनुअल एग्जाम भी फेल कर जाएगा। कोई बात नहीं, मंथली टेस्ट था, कोई फाइनल ईयर एग्जाम थोड़ी था। नहीं साइन, हम इसकी हर बात मानते हैं। द लीस्ट ही कैन डू इज अच्छे ग्रेड्स लाए। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा यार, सुबह सुबह अपना मूड इस तरह खराब मत किया करो। हसन जितनी भी तो इतना हो गया है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। अरे अम्मी, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते, याद नहीं है? मैं भी तो बहुत जिद्दी हुआ करता था, लाइक फादर लाइक सन। आपने बिगाड़ी है इसकी आदतें। हाँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूँ ना, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो बेटा? अम्मी मैं स्कूल से होते हुए मम्मा के पास रुकूंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, फिजिशियन के पास लेके जाऊंगी उन्हें। मैं चलूं? अल्लाह खैर करे बेटा। कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप ऑफिस जाएं। हसन सर, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुट्ठी करो। हैव अ गुड डे बेटा। जब मीरा हसन को समझा रही होती है तो तुम क्यों बीच में बोलते हो? पता नहीं क्या हो गया सुबह सुबह। माँ सुने। अब बाजी ने कोई बात की थी आपसे? किस बारे में? पता नहीं, उनका मूड खराब था। मुझे देर हो रही है। मैं बुलाता हूँ तुम्हें। हेलो हेलो सहर जी, कैसे हैं आप? पहले भी तुमने फोन किया था? हाँ, वो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने खाना खा लिया, इसलिए फोन किया था मैं। मुझे आपको पता है ना, मेरे पास फोन नहीं है, वरना ऐसे घर के नंबर से फोन थोड़ी ना करती। अच्छा फिर भी घर के नंबर से मुझे फोन मत किया। अम्मी कहाँ हैं? वो अम्मा तो सो रही हैं। अच्छा बस अब रख दो फोन और आइंदा मुझे फोन मत करना। ओके। किसको खबरें दे रही हो मेरे सोने की? वो अम्मा जी साहब का फोन था, वो कह रहे थे कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा आप सो रही हैं। मीरा किन चक्रों में पड़ गई हो बेटा, जल्दी आ जाओ। आ गई आ गई। मामा आप ऐसे करती रहेंगी तो कैसे चलेगा? समन बच्ची नहीं है, अपनी सेहत पे ध्यान रखें, बिगड़ जाएगी इस तरह। उसे स्पेस दें शिल्का मराम। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है मेरा, माँ हूं मैं उसकी। कलकला को मुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा उसे?
वो तो मेरी सुनती नहीं है, और ऊपर से तुम मुझे लेक्चर देने के लिए आ गई हो। मामा उसने कहा है ना कि वो हमजा से बात कर लेगी, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रही हैं? की थी उसने हमजा से बात, उल्टा नाराज होकर बैठ गए हैं वो। चले मोहब्बत में थोड़ा बहुत रूठना मनाना तो बनता है ना। अच्छा मैंने आपकी एक बहुत अच्छे फिजिशियन के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया, आप कोई टेस्ट होंगे, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर विद मी, कल की अपॉइंटमेंट है। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं जा रही डॉक्टर के पास। आप कहती रहे, मैं तो आपको लेकर जाऊंगी। प्लीज वन जस्ट वन। तूने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, और नहीं तो क्या? देख सहे, हम जो भी कर ले हम रहेंगी मासियाएं। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ कि जब गिरे तो तकलीफ के अलावा कुछ हाथ में ना आए। कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तू मुझे सबक पढ़ाने लग जाए। मैं तेरी बहन हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तो मत समझा, मैं बच्ची नहीं हूँ समीना। मैंने ऐसा कब कहा है? देख तू जानती है ना, हमेशा से मैंने जो सारे ख्वाब देखे थे वो सब पूरे हो सकते हैं अगर साइम मेरा हो जाए तो। घर, गाड़ी, बंगला, वो सब मेरा हो सकता है अगर साइम मेरा हो जाए तो। और फिर तू ही तो कहती थी अगर अच्छा पहनने और ओढ़ने को मिले तो हम भी किसी रानियों से कम नहीं। वो सब तो ठीक है सहर, लेकिन तू बता रही थी कि बाजी फिर से उम्मीद से है। हाँ ये तो है। तो अगर साहब फिर उसकी तरफ हो गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है साइम को बाजी में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो बस अच्छा शौहर बनने की पूरी कोशिश करता रहता है हमेशा। और ये बात तो इतने यकीन से कैसे कह सकती है सहर? मोहब्बत के धंधे जो होते हैं ना इंसान को बहुत जलील कर देते हैं। समीना बस कर, अपनी बारी में तू डरी नहीं और अब मुझे डरा रही है, और मैं कौन सा घर से भाग रही हूँ? उसी घर में रह के साइम को अपना बनाना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है? और फिर साइम वो तो खुद ही मेरा दीवाना बना फिरता है, उसकी नजरें हर वक्त मुझे ढूंढती हैं, और अगर मैं थोड़ी देर नजर ना आऊं ना तो उसे गुस्सा आने लगता है। सहर, अम्मा भी नहीं रही इस दुनिया में, पीछे एक बाप बचा है जो किसी वक्त भी तेरा सौदा कर सके। जो भी करना बस ध्यान से करना। अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, मैं दादी माँ से थोड़ी देर कहीं कह के आई थी, ठीक है? देर हो गई है। चल ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वाह भाई वाह, ये सारा होमवर्क तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश। दादी शहर कब आएगी? मुझे क्या पता बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो गई है। अच्छा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, इधर उधर की बातें क्यों सोच रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा मुझे कुछ खाने का बना दे। जानू मामा थोड़ी थकी हुई हैं, प्लीज शहर को कह दो। शहर तो घर पे नहीं है। अच्छा अम्मी किधर गई हुई है? बेटा वो अपने बहन बहनोई के साथ गई है, कह रही थी कि शमीम के नाम के चावल बांटने। मैंने 1000 रुपए दे दिए तो उसे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा मामा सुने, मामा मामा को आराम कर रहे हैं तो बेटा तुम अपना काम करो, अच्छा मैं बना दूंगा। ओके शहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बैठो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। किस बात का? यही कि आप इस तरह मुझे रास्ते में मिल गए। अब सीट बेल्ट पहन लो। कहाँ से? वो उधर दरवाजे के साथ। ये? ओ नहीं, एक सेकंड।
अब ठीक है। पता है, मैं ना हमेशा सोचती थी पता नहीं कब आपके साथ गाड़ी की आगे सीट पे बैठूंगी। चलो आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन एक और ख्वाहिश है। क्या? आइसक्रीम? अभी? नहीं अभी घर पहुंचना है, देर हो रही है। घर पे पड़ी आइसक्रीम खा लेना। वैसे भी आइसक्रीम तो बहाना ही था। बहाना अच्छा है लेकिन फिर कभी से। आप बाजी से बहुत डरते हैं ना? मतलब? मतलब जैसे बाकी शौहर डरते हैं अपनी बीवियों से वैसे। अच्छा सुनो, घर पहुंचेंगे ना तो तुम पहले उतर जाना। ओके। क्यों? मैं तो आपको रास्ते में मिली हूँ ना। फिर भी शहर अच्छा नहीं लगा, तो पहले उतर जाना, मैं चक्कर लगा के 2-3 मिनट ही बाद आ जाऊंगा। अभी रोकूंगा तो जल्दी से चले जाना अंदर। ओके। ये खोलना भी सकते हैं? सुनो वो भूल गया मैं, ये तुम्हारे लिए मोबाइल आया। मेरे लिए? हाँ। अब तुम्हें घर का फोन यूज करने की जरूरत, मुझे डायरेक्ट मोबाइल से कर। सुनो घर में किसी को बताना चले कि मैंने तुम्हें दिया। अब बहुत अच्छे हैं। मम्मी कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ थे इतनी देर तक? वो जरा एक दोस्त की तरफ गया हुआ था। मीरा आ गई है। अच्छा, उसने बताया नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आई है, मूड कुछ ठीक नहीं है उसका, ये शायद परेशान है किसी वजह से। हाँ वो उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से परेशान होगी। आप पूछ ही लेती? मुझे लगा वो इस वक्त बात नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं पूछा। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कुछ, तुम पूछो ना उससे जाके, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। अरे परेशान मत हो, मैं बात कर लेता हूँ उससे। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा खुदा।